दलहनी फसलों की कीमतों में भारी उछाल रहा था। इसी के चलते रायसेन जिले में अन्नदाताओं ने तुअर की फसल ज्यादा रकबे में लगाई थी। जिले भर में तकरीबन 80,000 हेक्टेयर में तुअर की फसल लगी है। शीतलहर के कारण लगी तुसार और पाले से तुअर की 70-80% फसल नष्ट हो गई है। किसानों को नर्मदा क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हुआ है। जिले के गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, गोहरगंज, वहीं रायसेन में चना और उड़द की फसल को भी नुकसान हुआ है। इन तहसीलों में 60% तक तुअर को नुकसान हुआ है। नर्मदा क्षेत्र के उदयपुरा, बरेली, बाड़ी इन तहसीलों के ग्राम बलवाड़ा, अकोला, लांजी, सोनकुआ सहित 20-25 ग्रामों की फसल में पाला तुसार की चपेट में आने से लगभग नष्ट हो गई हैं। जिन किसानों ने कोली ली उनकी हालत और भी खराब होगी। किसानों को अचानक इस तरह की आर्थिक संकट की मार ने झकझोर कर रख दिया है। लगातार वर्षों से प्राकृतिक आपदा की मार, सूखा और मार झेल रहे किसानों को इस बार भी बड़ी बर्बादी ने तोड़कर रख दिया है। अब किसान प्रशासन द्वारा बर्बाद फसलों का सर्वे पर निगाहें टिकाकर बैठा है। कितनी राहड़ गई? 12 एकड़ की। 12 एकड़ की? बिल्कुल बिल्कुल भाई। कितने दिन पहले? 4-5 दिन। अभी ठंड पड़ी रही है? हाँ पड़ रही नहीं, ठंड तो सही पड़ रही है, उनकी कोई बात नहीं। और रात में एक तो साल लगा था। कल भी लगा? कल भी लगा था। परसों एक दिन छोड़ के लगा था। चने की स्थिति क्या है? चने भी थोड़े थोड़े खूब चले गए, परपट पूरी चली गई है। साफ पानी दो भाई, पालो पड़को। सर अब आप क्या करोगे? अब आप क्या कर रहे हैं भाई? देखेंगे पानी मानी, यूरिया मेरी अब नहीं मिल रहा, यूरिया डालती वो यूरिया ही नहीं मिल रहा, लान में लगना पड़ा जोर वो पानी भरी। क्या नाम है आपका? नीलेश। क्या हुआ नीलेश जी आपके साथ? आपके खेतों में पाला तुसार से कितनी फसल नष्ट हुई है? बहुत नष्ट हुई है। काय की फसल लगाई थी? नहर की थी, 20 एकड़ थी। फिर और आसपास के क्षेत्रों में भी? सब दूर रुखराई तक चलेगा झूले नहर की। इतना खतरनाक पाला पड़ा है? बहुत खतरनाक, कटन सब सूख गए। जो खरपतवार थी वो भी सूख गई? हाँ सब सूख गई। हमारी कम से कम 7-8 एकड़ की। और कितने गांव में लगा ये तुसार? कोला है, लांजी है, डीमंडाना है, दमाड़ा है। तो सैकड़ों एकड़ जमीन खराब हो गई? सैकड़ों एकड़ जमीन खराब। अब इसका कोई अभी कोई आए अधिकारी कर्मचारी? अभी तक तो कोई नहीं आया, परसों नर्सों के दिन लगा है, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी तहसील बरेली क्षेत्र अंतर्गत पाला तुसार से जो फसल क्षति के संबंध में, इसे तो हमने संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को कहा था कि वो जाकर के तात्कालिक रूप से मौके पर नेत्रांकन के आधार पर फसल क्षति की सूचना दें। उसके आधार पर हमारे पास सूचना आई है कि तुअर की फसल एवं कुछ जगह पर सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है। इसके लिए विस्तृत जाँच हेतु राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल गठित कर प्रत्येक प्रभावित कृषक के फसल को मौके पर जाकर के सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी और इसके बाद ही शासन के निर्देशों का कार्रवाई होगी।